सो हेलो एवरीवन, TFFK के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बियर्ड के ऊपर होने वाला है। बियर्ड रिलेटेड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बियर्ड ग्रोथ के लिए आपको हैक्स देने वाला हूँ और एंड बियर्ड रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं और जैसे भी बहुत सारे चैनल्स आजकल यूट्यूब में डेवलप हो चुके हैं जो बियर्ड रिलेटेड मिथ्स आपको बताते हैं कि आप ये रेमेडी आजमाओ, आपका एक हफ्ते में या फिर दो हफ्ते में इंस्टेंट बियर्ड ग्रोथ हो जाएगा, आपका पैची बियर्ड जस्ट विल गेट कन्वर्टेड इंटू हार्ड बियर्ड मिराकुलसली। तो सारे मिथ्स को हम लोग पर्दाफाश करने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ कुछ बियर्ड हैक्स शेयर करने वाला हूँ और बियर्ड टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो पे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज देवदित्य, यू वाचिंग TFF एंड लेट्स रोल द इंट्रो। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक साल पहले मेरा बियर्ड कुछ इस तरीके का था और आज मेरा बियर्ड कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं ये आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज मेरे वीडियो में मैं जो कहने वाला हूं कोई बुलशिट नहीं होगा। वी आर टोटली गोइंग टू फोकस ऑन साइंस, जो साइंस कहती है उसी के बेसिस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और आपको एक बात पता अगर नहीं भी है तो ये होना चाहिए कि एवरी गुड थिंग टेक्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपका मसल ग्रोथ, ठीक है, इसको भी थोड़ा टाइम पेशेंस की ज़रूरत है। उसी तरीके से आपका बियर्ड, इसको भी एक टाइम पेशेंस और केयर की ज़रूरत है। अगर आप दोनों ही अच्छे तरीके से एक अच्छा एक सुपर फाइन ग्रोथ देखना चाहते हो तो टिप्स के ऊपर बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि है जीन्स रिलेटेड, आपके जेनेटिक्स रिलेटेड। आपने अपने फैमिली मेम्बर्स जैसे कि अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर या फिर अपने अंकल को देखा होगा, अगर बियर्ड है उन पे, अगर बियर्ड है लेकिन आपका एज करीबन 20 या फिर 25 के आसपास है, फिर भी आपका पैची बियर्ड आ रहा है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। क्योंकि हर एक इंसान के केस में एक जो ड्यूरेशन होता है आने का वो डिफरेंट होता है। ये आपके जेनेटिक्स के कारण होता है। जेनेटिक्स के कारण यानी आप जब अपने पेरेंट्स से बॉन्ड करते हो आपका जेनेटिक्स में थोड़ा एरर होता है जिससे कि वो टाइम आगे पीछे हो सकता है। या फिर बहुत सारे केसेस में आप ऐसे देखोगे कि कोई कोई बंदा क्लास 10th में अच्छा बियर्ड ग्रो कर लेता है और कोई कोई किसी किसी को तो कॉलेज तक भी लग जाता है एक अच्छा एक मैच्योर बियर्ड ग्रोथ करने के लिए। तो उसको लेकर टेंशन ना ले, टाइम दे, पेशेंस रखे, आपका भी अच्छा ग्रोथ होगा। अगर बात आती है पेशेंस की तो पेशेंस प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन बियर्ड ग्रोथ एंड मसल ग्रोथ एट द सेम टाइम। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग एक दो महीने के अंदर फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बियर्ड को काट लेते हैं क्योंकि वो लोग ये रीज़न देते हैं कि बियर्ड पैची है, यहाँ पे गैप्स है, अच्छा नहीं लग रहा है, इरेगुलर ग्रो कर रहा है, एक साइड में ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक साइड में कम। तो आप उसको ग्रो करने दीजिए सबसे पहले। ये बहुत सारे मैंने सैलों में भी देखा है कि वो लोग आपको सजेशंस ये देते हैं कि अगर आपको एक अच्छा मच्योर्ड एक हार्ड बियर्ड चाहिए तो आप उसको काट लो सबसे पहले। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। आप लेट इट ग्रो, इसको ग्रो करने दे। आपका पैचेस और आपका जो स्पॉट्स है ना जहाँ पे आपका बियर्ड नहीं है वो जब ग्रो होगा अपने आप ढक जाएगा, फिर आप उसको अलाइन कीजिए, उसको आप ट्रिमर से आपको उसको सेट कीजिए, आपको वैसा ही बियर्ड मिलेगा जैसा आप डिज़ायर करते हो। तो बढ़ते हैं आज के टिप्स के ऊपर। मैं वीडियो में ऐसा कुछ मिराकुलस कहने नहीं वाला हूँ जिससे कि अगर आपका एज 14-15 है आप अचानक से एकदम पूरा बुशी हेयर्ड ग्रो बियर्ड ग्रो कर लोगे एक महीने में दो महीने में, या फिर अगर आपका बियर्ड बिल्कुल ही नहीं आता है तो मिराकुलसली ऐसा नहीं होगा कि आपके पूरे गाल भर जाएंगे बियर्ड से। हाँ आएंगे। मैं जो रेमेडीज़ या फिर आपको टिप्स शेयर करूँगा उससे क्या होगा, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे जिससे कि बियर्ड आने की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहा है कि ये जो चैनल है TFF इसमें मैं साइंस छोड़ के कुछ नहीं बात करता हूँ, बुलशिट में नहीं कहूँगा आपको, मैं गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करूँगा जिससे कि आप पूरा होप से भर जाओ अपने अंदर कि होगा। अगर बाई चांस आपका नहीं हुआ तो आप सबसे ज़्यादा डीमोरलाइज या फिर डीमोटिवेटेड हो जाओगे उस टाइम में। आप बियर्ड हो, मसल ग्रोथ हो, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। सो मैं जो भी कहूँगा साइंस को लेके कहूँगा, साइंस को मद्देनज़र रखते हुए कहूँगा और मिराकुलस नहीं कहूँगा। जो टिप्स कहूँगा वो आप अगर फॉलो करोगे तो आपको अवश्य ही इम्प्रूवमेंट देखने को 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आप अपना स्किन को रब करते हैं हमेशा, आपका आदत है कि हमेशा आप गाल को छू ले 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स के अंदर, तो आपकी बियर्ड ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसका कारण ये है, देखिए आपके हाथ में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बैक्टीरियाज और ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपका जो स्किन है ना
इसको डर्टी बना रहा है, जिससे कि आपका बियर्ड ग्रोथ स्लो हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा आपको सजेस्ट करते हैं कि स्क्रब किया करें, स्किन को क्लीन करें, तभी आपकी बियर्ड ग्रोथ पॉसिबल है। और इसका और एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये तो आपका हो गया। अगर आपके हाथ में या फिर पैट में कुछ कट आ जाता है तो उसके ऊपर जो एक स्कैब आता है, तो हमेशा आपका इंटेंशन ऐसा रहता है ना उसको पील कर दे, तो इससे क्या होता है आपका रिकवरी स्लो हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपके बियर्ड, आपका जो फेशियल हेयर है वो पहले तो हार्ड नहीं आएंगे, पतले आते हैं, तो अगर आप अपने गंदे हाथों से हमेशा उसको रब करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरीके से जैसे कि आप अपने घाव में अगर आप हाथ लगाते हो तो नुकसान पहुंच रहा है, उसको पेन फील हो रहा है अंदर से, तो वो सब ना करें जिससे कि आपका हेयर वीक हो जाएगा और आपका बियर्ड ग्रो इसी से स्लो हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा और जल्दी और मैच्योर बियर्ड ग्रोथ चाहिए तो इस हैबिट को सबसे पहले अपने लाइफ से निकाल दीजिए। ऐसा हैबिट करें कि आप फेस में बहुत कम या फिर ना हाथ लगाएं। जो टिप नंबर 2 है वो है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन। जी हाँ, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा स्किन चाहिए, हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले। जी हाँ, उससे आपका हेयर फॉलिकल हो या फेशियल हेयर हो, वो दोनों इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपका बॉडी हमेशा न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ अच्छे हॉर्मोन्स हो, पुश करता है आपके हेयर ग्रोथ, स्किन इम्प्रूवमेंट या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए। तो सबसे अच्छा फूड सोर्स जो है वो है स्वीट पोटैटो। जी हाँ, उसमें बीटा कैरोटीन होता है विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। और 2019 में बहुत सारे ऐसे फिटनेस जर्नल्स आए थे जहाँ पे ये प्रूवन हो चुका है कि विटामिन ए प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इम्प्रूविंग योर स्किन हेयर एज वेल एज फेशियल हेयर एट द सेम टाइम। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना आपको बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जो तीसरा टिप है वो है बायोटिन का कंजम्पशन करें। जी हाँ, देखिए बायोटिन सबसे ज़्यादा आपको एग्स में मिलेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है मेरे जिम में या फिर इंक्लूडिंग मी कि एग्स से हमें एलर्जी होती है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको एग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप एग्स का कंज्यूम करें फॉर बायोटिन। बायोटिन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही फैमिली मेंबर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आते हैं, विटामिन B12 हो गया, आपका B1 हो गया, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोटिन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग योर हेयर ग्रोथ एज वेल एज स्किन डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। तो अगर आपको एग्स से भी एलर्जी है तो कोई बात नहीं, आप बायोटिन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर शॉपिंग एप्लीकेशंस पे, वहाँ पे आप बायोटिन सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं। टिप नंबर 4 है वो है स्पिनच, पालक का कंजम्पशन करें। तो पालक ही क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बियर्ड ग्रोथ, ये हेयर ग्रोथ के लिए कैल्शियम और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पालक में कैल्शियम और आयरन की जो मात्रा है वो भर भर के रहती है। कैल्शियम आपके हेयर को स्ट्रांग बनाती है और हार्ड बनाती है एट द सेम टाइम, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन इंक्रीज करवाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है वो आपके सेल्स में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में पहुँचाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक ऑक्सीजन आपके हेयर फॉलिकल्स में या फिर हेयर फॉलिकल्स सेल्स में जाके पहुंचाती है, जिससे कि आपके हेयर्स मजबूत होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं और बहुत सारे जर्नल्स हैं 2020 में या फिर 2029 में निकले थे, जो कि ये प्रूव करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से आपके हेयर लूज या फिर आपका हेयर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा हेयर अगर आपको चाहिए, अगर आपको अच्छा हेयर ग्रोथ चाहिए, तो आयरन की डेफिशिएंसी बिल्कुल ना होने दें, उससे आपका हीमोग्लोबिन भी घटेगा और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टिप नंबर 5 है और लास्ट टिप है वो है स्लीप। जी हाँ, स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं अपने हर वीडियोस में, करीबन हर वीडियोस में, लगभग हर वीडियोस में मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छा मसल ग्रोथ चाहिए तो आपको अच्छा स्लीप लेना ज़रूरी है, अच्छा स्किन चाहिए तो आपको स्लीप लेना ज़रूरी है, हेयर ग्रोथ चाहिए तो स्लीप लेना ज़रूरी है, फेशियल हेयर ग्रोथ चाहिए तो स्लीप लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप से आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और आपका ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ता है, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन भी शामिल है, और टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग अप योर मसल्स एंड ग्रोइंग योर हेयर एट द सेम टाइम। तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। आप अच्छा स्लीप ले, आप एक्स्ट्रा स्लीप ले, आप 8 आवर्स का मिनिमम स्लीप ले, ऐसा ना ले कि 9-10 घंटे आप सोए, एक करेक्ट अमाउंट में सोए, आप 8 घंटा मिनिमम आपका स्लीप होना चाहिए। अगर आप ऐसा हो रहा है कि 5-6 घंटा सो रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप दिन में थोड़ा रेमिनेंट स्लीप ले लीजिए, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नैप ले लीजिए 1-2 घंटे के लिए सुबह, तो
स्लीप प्लेज अ वेरी मेजर रोल, मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में कहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बियर्ड रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन्स है या फिर आपको और वीडियोस चाहिए बियर्ड रिलेटेड, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं फ्यूचर में और वीडियोस लाने वाला हूँ बियर्ड रिलेटेड, और लाने की भी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट 5 टिप्स बियर्ड के ऊपर और एक वीडियो अगर आपको चाहिए मैं ज़रूर से लाऊंगा। तो आपके डाउट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फैक्ट्स और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।